अपना बच्चा खो दिया मैंने साकिब। मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। प्लीज रानी, खुद को संभालो। मैं कैसे खुद को संभालूं साकिब, मेरा बच्चा चला गया। अच्छा इतना रो मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मुझे ना किसी ने जानबूझ कर गिराया, किसी ने कुशन रखा था सीढ़ियों पे। मैं ऐसे नहीं गिर सकती, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा 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 अच्छा, अभी तुम रिलैक्स करो, अभी तुम रिलैक्स करो, मैं तुमसे प्रॉपरली बात करूंगा। आपको क्या हो गया साकिब? बच्चा खोया है हमने अपना, और आप मुझे कह रहे कि रिलैक्स करो, मत रो, खामोश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो। देखो मेरी जान, अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्लीज खुद को संभालो। तुम देखना, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में फिर बहुत जल्द ऐसी खुशियां लाएगा, बहुत जल्द। ऐसे नहीं करते प्लीज। चलो ना। अच्छा इतना रो मत, तुम्हें पता है तुम रोती हो, मुझे कुछ होता है। प्लीज चलो। राबी के लिए सूप लाने को कहा था मैंने रुखसाना से, कहाँ है वो? जी साहब आ गया सूप। रुखसाना सूप यहाँ रख दो, मैं उसे खुद जाकर ऊपर कमरे में पिलाती हूँ। उल्टी सीधी बातें कर रही है, कह रही खुद नहीं गिरी, किसी ने गिराया। वो तो ये कहेगी ताकि तुम उसे कुछ ना कहो। पता नहीं क्यों ऐसी बातें करे जा रही। अच्छा अब ऐसा है, यहाँ आकर बैठो और अम्मी को संभालो। जब से आई है इस कदर परेशान है कि बस, मैं राबी को सूप पिलाती हूँ। हाँ ठीक है, ले जाओ सूप। जाओ ना, बैठो जाकर अम्मी के पास। अरे हसन, मेरा बच्चा कितना खुश था साकिब है। अब बाकी का सूप तुम खुद पी लो। अच्छा साकिब मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, मैं तो बहुत संभल के उतर रही थी, मुझे किसी ने गिराया है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऊपर तो कोई था ही नहीं, कोई कैसे तुम्हें गिराएगा? मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं बहुत समझ समझ के सीढ़ियाँ उतरती हूँ, मुझे किसी ने जानबूझ के गिराया है। एक मिनट एक मिनट, ऐसा तो नहीं लगता कि जब तुम कमरे में अकेले हो तो कोई और है, और जब तुम देखती हो तो कोई नहीं होता? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? असल में पता है क्या, इस हालत में ना अक्सर बुरी बलाएं पीछे लग जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैं उमर को एक्सपेक्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, और जब मैं देखती थी तो पीछे कोई होता ही नहीं था। एक दिन मैं कमरे में अकेली सो रही, किसी ने इस कदर जोर से मुझे थप्पड़ मारा कि मैं गड़बड़ा कर उठ गई। मैंने देखा तो कोई था ही नहीं। इस हालत में लड़कियों के पीछे अक्सर बलाएं लग जाती हैं। मुझे लगता है तुम्हारे पीछे भी कोई ऐसी बुरी बला लग गई है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।